वंदे मातरम, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं भाई सभी? आप सभी का स्वागत है नंबर सीरीज के इस प्रैक्टिस सेशन में। जैसा आपको बताया गया था कि जो भी प्रैक्टिस सेशंस होंगे बैक टू बैक हम लाते रहेंगे। जैसे बीच में हमने मिसिंग नंबर के कुछ सेशंस किए, अभी खैर वो पूरे नहीं हुए हैं, प्रैक्टिस उनकी और भी करनी है, फर्दर और भी चीज़ें हैं जो हमें प्रैक्टिस करनी है। के बाद हम आ गए हैं मिसिंग नंबर, पीडीएफ आप सभी के पास है, ठीक है? और नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल रीजनिंग बैरून कुमार से एक्सक्लूसिवली डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी से गुजारिश है बेटा, जितने भी व्यक्ति हैं आप सभी जुड़ जाइए हमारे साथ, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। वंदे मातरम, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। लाइव हो जाइए, ऑडियो वीडियो ठीक सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? गुड इवनिंग बेटा, वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद, राम राम भाई, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद, सभी को नमस्कार। रीजनिंग 35 के स्टूडेंट हैं, चलो भाई आ जाओ फटाफट। और मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस की जो हम था यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस हैं। शेयर करते रहिए बेटा, मैं भी अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है? ताकि बच्चों को पता लग जाए कि लाइव सेशन अभी चल रहा है। सभी को राम राम भाई, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। चलिए तो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। और सीरीज में देखो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जो श्रृंखला के क्वेश्चन है, सीरीज के क्वेश्चन है, ये हर एक एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। हो सकता है एज इट इज ये कहीं ना कहीं आपको टकरा जाए, मिल जाए, रिपीटिशन हो जाए। सभी को राम राम भाई, सभी को नमस्कार, सभी को वंदे मातरम, सभी को जय हिंद। ठीक है, आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं भाई, ठीक है? आप मेहनत करते हैं सभी। चलो बेटा, राम राम भाई, वंदे मातरम, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। मिसिंग नंबर सीरीज की ये मैराथन अभी हम देख रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्या में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो सबसे आसान, सबसे पहला क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं। सबसे आसान प्रश्न है, सबसे इजी प्रश्न है, यहां से हम शुरुआत कर रहे हैं बेटा। राम राम बेटा सभी को, सभी को वंदे मातरम। एनटीपीसी धुआं धुआं हो गया, वो बेटा मेरी कृपा नहीं, वो आपकी कृपा है, आपकी मेहनत है, आपके कर्म का फल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कितने का अंतर है बेटा? यहाँ आपने देखा चार का अंतर है, क्योंकि सीरीज स्लोली इंक्रीज करेगी तो हमें पैटर्न देखना है। यहाँ पे कितने का अंतर है? आठ का अंतर है। यहाँ पे कितने का अंतर है? पांच का अंतर है, सॉरी, यहाँ चार का अंतर है, यहाँ आठ का अंतर है, यहाँ सोलह का अंतर है। क्लियर है कि ये दो का स्क्वायर है, ये चार का है, ये दो का। जब एक और चार पांच, पांच और आठ तेरह, तेरह और सोलह उनतीस। अब आप ये देखिए कि इनके बीच में अंतर कितने का है, और यहां पे कितने का अंतर है भाई? तीन में से पांच गए दो, पांच में से दो गए दो, दो में से एक गया एक, ठीक है ना बेटा? तेरह में से पांच गए आठ, अंतर लेंगे तो तेरह में से पांच गए आठ, चार में से दो गए दो, दो में से एक गया एक, ये अंतर हमें दिखाई दिया। तो इस अंतर पे आगे आप जाके आंसर बता सकते हैं। सी आंसर 61 नंबर दिया, बड़े डिफरेंस से इजीली आप बता सकते हैं। उत्तम नगर में नहीं बेटा, अभी जो फ्री क्लासेस है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि अंतर जो फ्री क्लासेस का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, अभी बता दूंगा मैं। कैरेविल पे देखो, चार का आठ, दो दुनी चार, दो का स्क्वायर, दो दुनी चार दुनी आठ, दो का क्यूब, दो का क्यूब, दो की पावर चार। आगे क्या होगा बेटा? दो की पावर आठ, दो की पावर आठ, दो दुनी दो की पावर पांच, पांच से आ जाएगा, दो की पावर पांच। तो दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह दुनी बत्तीस, और बत्तीस अगर आप इसमें जोड़ेंगे तो नौ दो ग्यारह, तीन दो पांच और एक छह, इकसठ होगा। यानी डिफरेंस क्या बेटा? चार का डबल, आठ का डबल, सोलह का डबल, बत्तीस का डबल, चौसठ का डबल, एक सौ अट्ठाईस। बाइंड्री कोडिंग में भी मैंने आपको बताया था, बाइनरी कोडिंग में भी मैंने आपको बताया था, बाइनरी कोडिंग में भी आपको ये बताया था। इसकी पीडीएफ अभी आपको टेलीग्राम चैनल रीजनिंग बाय अरुण कुमार से मिल जाएगी, मैं अभी पोस्ट किए देता हूं। दोनों क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, दोनों क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, बताइए क्या आंसर होगा? वहां पे फ्रैक्शंस का इस्तेमाल हुआ है तो बताइए क्या होगा, जल्दी बताओ बेटा। फ्रैक्शंस का इस्तेमाल हुआ है, बताइए क्या होगा?
ये लो भाई आपके टेलीग्राम चैनल पर अभी भेज देते हैं। वंदे मातरम बेटा, सभी को वंदे मातरम, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। मिल गई टेलीग्राम पर, मिल गई सभी को टेलीग्राम चैनल रीजनिंग बार अन कुमार। देखो फ्रैक्शन जब आप जानते हैं कि एक बटे चार में एक बटा चार जोड़ेंगे तो एक बटा दो हो जाएगा, तो यहां एक बटा चार जोड़ा है, फिर एक बटा चार जोड़ा है, फिर एक बटा चार, जब यहां से यहां जा रहे हैं तो आप क्या जो देख रहे हैं इनके बीच में स्थिति क्या है कि यहां और यहां एक बटा चार, यहां और यहां एक बटा चार, लेकिन यहां यहां आधा, यहां और यहां एक बटा चार, यहां और यहां एक बटा चार। तो मैं इसमें करेक्शन करना चाहूंगा, इसमें आप ये लिखेंगे, ये थोड़ा सा एरर है इसमें बेटा, थोड़ा सा एरर है, मैं बता दूं क्या है। ठीक, प्रिंट इन्होंने सही नहीं किया। प्रश्न ये है एक बटा चार, फिर एक बटा दो, फिर तीन बटा चार, फिर एक, फिर एक ये मिसिंग है, फिर एक सही एक बटा चार, ये है इसमें कर लीजिएगा, यहाँ पे एक और फिर एक सही एक बटा चार। अब ठीक है, ये वन बाई फोर, वन बाई फोर, वन बाई फोर का अंतर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें जोड़ेंगे तो पूरा का पूरा पूर्णीय संख्या दो हो जाएगी। ये संख्या जो पूर्णता है वो दो हो जाएगी, बड़ा आसान है बेटा, ये दो आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बड़ा आसान सा प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है कि ये दो का अंतर है, यहाँ पे प्लस दो किया गया है, यहाँ पे माइनस चार किया गया है, यहाँ पे प्लस छः किया गया है, यहाँ पे क्या किया गया बेटा, पंद्रह में सात माइनस आठ किया गया है, क्या करेगा, प्लस दस करेगा, बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा बेटा, निश्चित रूप से आंसर 107, कोई कराने लायक भी नहीं था, बड़ा आसान था। ठीक है, तो यहाँ दो चार छः आठ दस, प्लस दस है तो 97 और 10 107, फिर माइनस 12 कर देंगे तो वापस पहचान में, तो मैंने कहा था घटती बढ़ती श्रृंखला जब भी आ जाए तो इसी प्रकार से करेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, तीन 219 344, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं बच्चे। एक सेकंड बच्चे, इसमें अगर कोई करेक्शन, क्योंकि इन्होंने अभी टाइप किया था, एक आधी मिस्टेक इसमें हो सकता है, छोटी मोटी हो, मैं बता दूंगा आपको। 101 103 है बेटा ये चौथे प्रश्न में ना, तीन 219 344 408 डैश और डैश 95 से, मतलब अब आपको क्वेश्चन बताना क्या होगा। कौन बताएगा बेटा, कौन बताएगा, जल्दी बताओ, हु विल टेल द आंसर। सर बफरिंग हो रहा है, बफरिंग हो रहा है बेटा, चलो बेटा विकल्प आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, आप सभी को विकल्प दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जल्दी बताओ बेटा क्या बनेगा। देखो 219 में से तीन घटाओ, जब हम यहां बात करते हैं 219 में से तीन घटाओ तो ये आएगा 216, 216 क्या है, 6 का क्यूब है, एक रिलेशन अपने को पता है। 344 में से 219 घटाओ, 344 में से 219 घटाओ, 14 में से 9 गए 5, 3 में से 1 गया 2, 3 में 2 गया 1, ये 5 का क्यूब है। अब 408 में से 344 घटाओ, 408 में से 344 घटाओ तो ये 8 में से 4 गए 4, और 9 में से 4 गए, और 10 में से 4 गए 6, तो ये किसका क्यूब है बेटा, 4 का क्यूब है। यानी आप ये देख रहे हैं बेटा, आप ये देख रहे हैं कि इसमें से ये घटाया, इसमें से ये घटाया, इसमें से ये घटाया, तो ये स्थिति बनी है बेटा। तो यहां हम किस में से घटाएं, आगे जो स्थिति होनी चाहिए वो 3 का क्यूब 27 होना चाहिए, कुल मिला के इसमें जोड़ दो तो 27 इसमें जोड़ दो, तो 408 में आप 27 जोड़ दो, 435 बन जाएगा, तो आंसर होगा 435। क्यों, क्योंकि 435 में से 408 घटाएंगे तो अपना विकल्प आएगा, तो आंसर क्या होगा बेटा, 435। जब हम डिफरेंस ले रहे हैं इनके बीच में, जो डिफरेंस है वो क्यूब में है। ठीक है, भिंड में कितने बच्चे थे बेटा जो हमसे रूबरू मिले थे, हमें बहुत अच्छा लगा, भिंड में हम सेमिनार लेके आए हैं, सभी बच्चे से रूबरू हुए, मुलाकात हुई बच्चों से, अच्छा लगा हमें। अगला बताओ बेटा कितने का अंतर है, यह भी अंतर सही हो रहा है कि सर यहां तो आप ढाई का अंतर दिखाई दे ही रहा है और यहां पे 5 का अंतर दिखाई दे रहा है और यहां पे 10 का अंतर दिखाई दे रहा है, आगे होना चाहिए भाई 20 का अंतर, क्योंकि अंतर डबल होता जा रहा है, भले ही पॉइंट्स में दिखाई दे रहा है लेकिन आगे जो है वो अंतर डबल होता जा रहा है, तो डबल की हम बात करेंगे।
ठीक है बेटा, तो इसलिए इस हिसाब से आंसर क्या बनेगा इसका, 42.5 इसका आंसर बनेगा, 45, 2.5। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत जानदार और शानदार आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट चैनल बेटा, नोटिफिकेशन नहीं आता, बहुत सारे बच्चों की शिकायत है नोटिफिकेशन इसलिए नहीं आता कि आपने मात्र सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया। बेल आइकन भी साथ साथ प्रेस करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। जल्दी बताओ बेटा ये अगला क्या है। बड़ा आसान है ना बेटा अगला, मल्टीपल दिखाई दे रहे हैं, राउंड ऑफ मल्टीपल दिखाई दे रहे हैं, शाबाश, बताओ क्या होगा। कल्याण सिंह आप भिंड में थे, ये बच्चे भिंड में, हमें मुलाकात हुई है इनसे। ये 3 गुना है, 30 का 2 गुना है, 2 गुना है, ये 6 गुना है, 6 6 36, ये कितने गुना है बेटा, 10 गुना है, 10 गुना है। तो यानी 2 गुना 6 गुना 10 गुना, कुल मिला के यहां 4 का अंतर, यहां 4 का अंतर, आगे होगा 14 गुना, हो सकता है बेटा, हो सकता है, विकल्प से चेक करो। 0 14 6 84 42 और 8 50, तो आंसर क्या आएगा बेटा, 50400, तो आंसर आएगा 50400। समझ में आ गया बेटा, मल्टीपल हो रहा है सी। अगला बड़ा आसान है, 7वां बता दो, बहुत आसान है, 7वां कौन बताएंगे, 7th नंबर बताइए कौन बताएगा, 7वां नंबर, 122 197, यानी ये जो चीजें हैं स्क्वायर के नजदीक है, मैं पहले भी बता चुका हूं भाई, हमें तो क्लिक करता है कि ये 11 का स्क्वायर है, ये 11 के स्क्वायर के नजदीक है उसमें एक जोड़ा है, ये 14 के स्क्वायर के नजदीक है उसमें एक जोड़ा है, ये 17 के स्क्वायर के नजदीक है उसमें एक जोड़ा है, 17 के स्क्वायर के नजदीक है उसमें एक जोड़ा है। तो 11 और 3 14 और 3 17 और 3 20, 20 के स्क्वायर के नजदीक और उसमें एक जोड़ेगा, 20 के स्क्वायर के नजदीक और उसमें एक जोड़ेगा, तो आंसर बनेगा, वेरी गुड बेटा, 401। डिफरेंस से भी कर सकते हैं लेकिन क्लियर डिफरेंस दिख रहा है स्क्वायर का वहां। नंबर 8 और 9 बता दीजिए बेटा, डिफरेंस से भी हो सकता है, स्लोली इंक्रीज कर रहा है, नंबर 8 नंबर 9 बड़ा आसान है, जल्दी बताओ बेटा कौन बताएगा 8 में क्या होगा, तुरंत पता चल जाएगा आपको, 8वें और 9वें क्वेश्चन में कोई समय लगना नहीं है। 8वें क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि यहां 8 का अंतर है, 8 का, यहां 27 का अंतर है, 27 का, यहां 64 का अंतर है, यहां 125 का अंतर है। तो जब यहां 8 का अंतर है, यहां 27 का अंतर है, तो ये क्लियर है कि ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, आगे अंतर होगा 6 का क्यूब का, 6 का क्यूब 216 होता है, और 233 में अगर हम 216 जोड़ेंगे तो ये आपका बनेगा 6 3 और 1 4 439, 449, उसके नजदीक संख्या दिखाई दे रही है, ऑप्शन नंबर ए। सभी को दिखाई दे रहा है बेटा, स्पष्ट दिखाई दे रहा है सभी को, सभी को क्लियर है, क्यों, क्योंकि 6 और 3 9, 3 और 1 4, 2 और 2 4, 449। तो 2 का क्यूब का डिफरेंस, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब और 6 के क्यूब के डिफरेंस से हम आपको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न का भी आंसर ऐसा ही है, स्मॉल डिफरेंस से वो बात बन रही है, छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि सर यहाँ 6 का अंतर है, यहाँ 8 का अंतर है, यहाँ 10 का अंतर है, और यहाँ 12 का अंतर है, और यहाँ 14 का अंतर है, और यहाँ 16 का अंतर, 7 6 13 5 6 7, 73 हो जाएगा, इसमें कोई दोराय वाली बात थी ही नहीं, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात थी नहीं। देखो इजी होता तो फटाफट बता देते हो, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे ना आगे, ठीक है भाई। भिंड में बेटा हमें बहुत अच्छा लगा, क्यों नहीं लगेगा, जब भी स्टूडेंट से रूबरू मिलते हैं, फेस टू फेस मुलाकात होती है, तो क्या अच्छा नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लगता है। नंबर 10 में आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में डिफरेंस हो जाएगा बेटा, जैसे 250 है, जैसे 370 है, जैसे 394 है, जैसे 400 है, तो डिफरेंस एक तरीके से घटता जा रहा है। कुल मिला के जब यहाँ 150 का 120 का अंतर दिख रहा है आपको, 120, और यहाँ है कितने का अंतर बेटा, यहाँ मात्र आपको दिख रहा है 6, सॉरी 24 का अंतर दिख रहा है, यहाँ आपको कितने का अंतर दिख रहा है, 6 का। अब यहाँ अंतर कितने का होना चाहिए, सवाल ये है। आप जानते हैं कि ये जो कितने गुना है बेटा, ये 4 गुना है,
6 चौक 24, 24 पंजे 120, ये 5 गुना है। और यहाँ पे कितने गुना होने चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए 3 गुना, ठीक है। तो किसका? 2 गुना, ठीक है ना, घटता जा रहा है ना। इसमें ये हमने इसमें 120 जोड़ा, ये आया 24 जोड़ा, ये आया 6 जोड़ा, ये आया, तो अब हम जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा आंसर क्या आएगा बेटा? 402। डिवाइड करके बताओ तो, पर डिवाइड कर रखा है 402, डिवाइड डिवाइड करके ही बता सकते हैं 402। आप ये कह सकते हैं भाई इसको हमने 5 से डिवाइड किया ये आया, 4 से डिवाइड किया ये आया, 3 से डिवाइड किया ये आया। समझ गया बेटा? क्लियर हो गया? समझ गए? आप हिंदी मीडियम में क्लास लेंगे बेटा, इसमें हिंदी और इंग्लिश के तो कोई बात ही है, संख्याएं और नंबर तो बच्चे सभी समझ सकते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 11, बहुत आसान है बेटा, बताइए, मात्र डिफरेंस से सॉल्व हो जाएगा नंबर 11, कौन बच्चा बताएगा? बहुत है, यहाँ पे कितने का अंतर है? 17, यहाँ कितने का अंतर है? 6 4 34, यहाँ कितने का अंतर है? 60 40 50 51, और बड़ा 17 17 17 64 68 का अंतर होगा, तो 8 और 1 9, 6 और 1 7, 1 के लिए 1, तो आंसर 179 होगा, किसी को कहने की आवश्यकता है ही नहीं। सिटिंग अरेंजमेंट फ्री में दे दो, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, अगला चलाओ बेटा, क्या होगा, कौन बताएगा अगले प्रश्न में? नंबर 12, नंबर 12 में भी श्रृंखला धीमी गति से इंक्रीज कर रही है, तो पैटर्न आप बता दीजिए क्या होगा बेटा, जल्दी बताओ बेटा। डिफरेंस से कर लो, आपको अगर डिफरेंस से लगता है तो डिफरेंस से कर लो, डिफरेंस मेंटेनेबल है। जैसे हम डबल डिफरेंस की मैंने बात की थी कि 0 4 18 48 और 100 और 180, दो बार डिफरेंस लेते हैं मेंटेनेबल हो जाएगा, कि यहां पे जो अंतर दिखाई दे रहा है, यहां पे जो अंतर दिख रहा है वो कितने का अंतर दिख रहा है बेटा? 4 का, यहां पे 14 का, यहां पे 30 का, यहां पे 52 का और यहां पे 80 का। कुल मिला के यहाँ क्या अंतर है बेटा? यहाँ 8 का अंतर है, यहाँ पे कितने का अंतर है? 10 का, 10, फिर 10 और 6 16 का, 16 और 6 22 का, 22 और 6 28 का, 28 और 6 34 का अंतर, यानी इसमें जोड़ो 4 8 3 11, ये आएगा ना 0 4 8 3 11, ये इसमें जोड़ दो 4 8 1 9 और 1 2 294, तो आंसर आएगा ए 294। और काफ़ी जनों ने इसका सही आंसर दिया था 294, 294 से आप एकदम सही जा रहे थे कि सर इसका जो आंसर होगा वो 294 होगा। समझ गए बेटा? बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बताया। नेक्स्ट नंबर 13, कौन बताएगा बेटा नंबर 13? अगला बताओ, छोटी संख्या, एकदम से छोटी संख्या, और आगे पॉइंट्स पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, आगे पॉइंट पॉइंट डिवाइड करने से भी आ जाते हैं या कुछ जोड़ने, लेकिन एक सम से बहुत बड़ी संख्या टूट के छोटी संख्या बन गई। क्वेश्चन नंबर 13 में बहुत बड़ी संख्या टूट के छोटी संख्या बन गई, तो जरूर डिवाइड किया गया या मल्टीप्लाई किया, कि इससे मल्टीप्लाई किया ये आया कुछ ना कुछ, ये। तो ऐसी स्थिति में आप ऊपर नीचे रख के उसको चेक कर सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। समय दे रहा हूं, बताइए बेटा कौन बताएगा क्या बनेगा? बताओ बेटा कौन बताएगा इसका आंसर? कौन देगा? देखते हैं कौन देगा, जल्दी बताओ बेटा। सभी को वंदे मातरम, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। टेलीग्राम चैनल है रीजनिंग बाई अरुण कुमार, रीजनिंग बाई अरुण कुमार के नाम से कई चैनल आएंगे, तो जिसमें 1,30,000 सब्सक्राइबर हों, 40 हों, वो ओरिजिनल चैनल है, 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर दिखेंगे, बाकी में 2-4-5 हज़ार दिखेंगे ओरिजिनल चैनल, उसको ज्वाइन करना। PDF मैंने भेज दी बेटा, सभी को मिल गए PDF बेटा, कर सकते हैं, पिछले वाले में ऋषि गौर कर सकते हैं, वो ट्रिक मैंने क्लास में बताई भी है, कर सकते हैं। यहां पे देखो, अब ऐसे क्वेश्चन में फंसोगे तो पेपर में क्या अप्रोच लेनी है? पेपर में अप्रोच ये लेनी है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करके देखना है, डिवाइड करके देखना। अगर आपको पहाड़े याद हैं तो पहाड़े याद, आप जानते 26 चौक 104 होता है, 26 गुना 4 104, चिक 24 4 2 10 104। अगर आपको पहाड़े याद हैं तो आपको ये पता चल गया कि बेटा यहां से यहां जाने में 4 गुना हो रखा है,
या यहां से यहां गुना जाने में चार से डिवाइड हो रखा है, आपकी मर्जी है। इधर से इधर जाओगे चार से डिवाइड हो रखा है, इधर से इधर जाओगे फिर चार से डिवाइड हो रखा है, क्योंकि जीरो से जीरो काट दो 65 चौका 260 होता है। इधर से इधर आएंगे तो चार से डिवाइड करेंगे, तो जब हम 650 को चार से डिवाइड करेंगे तो चार एकम चार, चार चीक 24, चार दुनी 8 और चार पंजे 20, तो ये बनेगा 162.5। यस या नो? और आगे पॉइंट्स में चलाते जाओ, कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा आपके सामने। तो ये इस प्रकार से आप करेंगे, कैंसिल करके देख लिया करो कि भाई मल्टीपल कितने का है। यहां तो फ्लैट फॉर्मेट चार बार था बेटा। नंबर 14 भी इसी प्रकार से आप प्रोसीड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, थोड़ा सा अलग पैटर्न है वहां। और नंबर 15 पर बताइए, 14 और 15 दोनों के लिए मैं समय आपको दे रहा हूं, देखते हैं 14 और 15 क्या बताने जा रहे हैं आप। जल्दी बताओ बेटा, 14 और 15 क्या बताने जा रहे हैं, नंबर 14 और नंबर 15 में देखते हैं क्या बताएंगे। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ बेटा। देखो हकीकत तो यह है कि 30 तिया 90, 30 चौका 120, तो 30 को अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो 30 तिया 90, लेकिन अगर मैं 3.5 से करता हूं, 3.5 से, क्यों? क्योंकि मुझे पॉइंट नजर आ रहे हैं, मुझे वहां पे पॉइंट नजर आ रहे हैं, तो 30 तिया 90, 90 और 15 105, तो सीधा 105 हो जाएगा। ये पॉइंट का पहाड़ा उठाया हमने, और 105 को मैं कर रहा हूं 4 से गुना, तो ये होगा 420, लेकिन 420 तो ये ठीक है, 420 में अगर मैं आधा जोड़ दूं तो मैं 4.5 से मल्टीप्लाई करूं तो 472.5 आएगा, 472.5 आएगा बेटा, 472.5। इसका मतलब ये है कि यहां से यहां जाने में, साढ़े चार गुना है और ये 5.5 गुना है। कैसे पता चला भाई? इसको 500 मान लो, 55 25, और यहां से यहां जाने में ये 6.5 गुना है इस प्रकार से। तो यहां से यहां जाने में ये कितने गुना है? 3.5, ठीक है। तो यहां से यहां जाने में 2.5 गुना होगा और यहां से यहां जाने में 1.5 गुना होगा। तो सबसे पहले क्या है बेटा, 8 का 1.5 गुना करेंगे, और 8 का 1.5 गुना 12 होता है। फिर हम 12 का 2.5 गुना करेंगे, 12 का 2.5 गुना कितना होता है बेटा? 30 होता है। फिर हम 30 का 3.5 गुना करेंगे, तो 30 का 3.5 गुना 105 होता है, बढ़ता जा रहा है। और ये मैंने सीरीज कराई थी क्लास में, सीरीज बाई मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, कि भिन्नों से गुणा करके श्रृंखलाओं का निर्माण, इसकी पहचान क्या थी कि हमें पॉइंट दिए दिखे जाएंगे, लेकिन ऑप्शन में राउंड ऑफ संख्या नजर आई, हिंट मिली कि यह भी राउंड ऑफ संख्या थी, ये भी पूर्ण संख्या थी, ये भी पूर्ण संख्या थी, आगे जाके पॉइंट मिल गए हमें, आगे जाके हमें वो पॉइंट मिल गए हैं। नेक्स्ट अगला है, अगला कौन बताएगा भाई? नंबर 15 का आंसर बताओ, 12 तो बेटा देखकर बता देते हैं सारे के सारे, नेक्स्ट नंबर 15 का आंसर बताओ, जो डिफरेंस मेथड से भी आप चाहें तो कर सकते हैं, बड़ा आसान है। यूपीएसआई की रीजनिंग बेटा साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो ना, प्रैक्टिस में हर लेवल की रीजनिंग आप साथ साथ कर रहे हैं। यहां बताओ बेटा, ये कितने का अंतर है? 26 का अंतर है, नहीं 16 का अंतर है, तो यहां से यहां 16 का अंतर है, यहां से यहां कितने का अंतर है? 25 का, तो 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 36 का 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 449 और 6 455 और 6 15, तो ये होगा बेटा 455, 455, तो ये बनेगा बेटा 4 5 और 5, 455 हमारा आंसर बनेगा, 4545, ठीक है बेटा, क्योंकि जोड़ेंगे 9 6 15, 4 और 1 5, 4 का 4, 455 हमारा आंसर बनेगा।
4, 5, 5 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट अगले पर आ जाते हैं। नंबर 16, ये देखो बेटा यहां से शुरू हो रहा है, 1, 10, 28। चाहे तो आप डिफरेंस से कीजिए, इसे कैसे करेंगे। नंबर 16 और 17, 17 में पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, तो 16 और 17 का आंसर बताइए क्या बनेगा। लगभग मुझे तो डबल के नजदीक दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में मुझे लगभग डबल के नजदीक दिख रहा है, फिर भी क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। पेन पेंसिल साथ में रखिए बेटा। बताया ना, हम भिंड में गए थे, बच्चों ने बहुत अच्छे खुले दिल से हमारा स्वागत किया, बहुत हमने एंजॉय किया। मतलब युवा शक्ति के बीच जाके कैसा लगता है, उस ऊर्जा के बीच जब हम महसूस करते तो हमें और बेहतर लगता है। 16 और 17 का आंसर दो बेटा। क्या आंसर आया? ए आंसर दे रहे हैं भाई। ये देखो, यहां इधर से इधर क्या रिलेशन है। अगर मैं ये कहता हूं कि 1 का डबल 2 करके 8 जोड़ दिया, तो आपको अटपटा लगेगी ये बात, क्यों? छोटी संख्या है सर, कई तरीके हैं। लेकिन अगर मैं 10 का डबल 20 करके 8 जोड़ देता हूं, क्योंकि मुझे यहां से रिलेशन देखना था कि 10 दूनी 20 30, 3 गुना भी हो सकता है, लेकिन ये 3 गुना नहीं है, ये 3 गुना या 4 गुना नहीं है, ये 5 गुना नहीं है। आगे संख्या लगभग डबल है, 1 का डबल 2, लेकिन तो बहुत दूर था। लेकिन देखो, 10 का डबल 20, 28 का डबल 56, 64 का डबल 128, क्योंकि 3 गुना 4 गुना करने के लिए तो जगह मौजूद ही नहीं थी। तो हमारा रिलेशन ये समझ में आया कि 1 × 8, 1 × 2, 2 प्लस क्या किया गया बेटा, 8, तो ये 10 हो गया। और आगे 10 दूनी 20 प्लस 8, तो ये 28 हो गया। 28 दूनी 56 प्लस 8, तो ये 64 हो गया। 64 दूनी 128 प्लस 8, तो ये 136 हो गया। और 136 दूनी 272 प्लस 8, 272 प्लस 8, 280 हो गया। 280 हो गया। यहां से कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया गया था। अगर यहां होता तो डबल करके 8 जोड़ा गया। एक टाइप मैंने आपको क्लास पढ़े पढ़ाई थी, इनटू एन प्लस माइनस एनी नंबर, ये वही टाइप है कि किसी भी संख्या से गुणा करके कोई भी संख्या या तो जोड़ी जाएगी या कोई भी संख्या आपको घटाई जाएगी। इसी प्रकार से कुछ अगले वाले में देखो, अगले वाले में हिंट मिलेगा आपको बेटा, यहां से हिंट मिलेगा, यहां से हिंट मिलेगा। यहां पे क्या है बेटा, 18 और 40 का क्या संबंध है, तो हम डिफरेंस ले सकते हैं। लेकिन ये भी देखिए, 18 का डबल 36 प्लस 4, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये था 18 का डबल 36 प्लस 4, तो हो गया 40। और मैं 40 का डबल 80 करता हूं तो प्लस 5 हो गया 85, बात बन गई। मैं 85 का डबल 170 करता हूं और 170 में 6 जोड़ता हूं तो 176, और बढ़िया बात बन गई। तो यहां हमें क्या करना पड़ेगा, यहां डबल करना पड़ेगा, और डबल करके हमें 2 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे 3 जुड़ेगा, क्योंकि यहां हम 2 जोड़ेंगे और यहां हम 3 जोड़ेंगे, तब आगे बात बनने वाली है। तो इसका डबल करेंगे, ठीक है बेटा। तो 2 1.5 2 2 4 5, 5.5 हो गया, 5.5 हो गया ना बेटा। 2.75 का डबल कैसे हुआ, 2 दूनी 4 और 0.75 का डबल 1.5, 5.5, और 5.5 में आपने कितना जोड़ दिया, 2, तो 7.5 हो गया। तो कितना हो गया बेटा, 7.5। तो हमारे आंसर में आएगा 2.75 का डबल 5.5 और 2 7.5, और फिर आगे 7.5 का डबल 7 दूनी 14 और 1 15 और 3 18, तब 18 आएगा हमारे पास, तब 18 आएगा हमारे पास। समझ में आया बेटा, चीजें चीजें समझ में आई आप सभी को। नेक्स्ट अगले पर चलते हैं भाई। नंबर 18 में भी आप स्मॉल डिफरेंस के माध्यम से कर सकते हैं, इसी प्रकार से आप नंबर 19 भी कर सकते हैं। फटाफट टाइम लीजिए, 18 और 19 का सॉल्यूशन बताइए क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन क्या बनेगा, क्या रिविल ऑफलाइन वाली। बेटा बैच आ रहा है ना अपना 3 मार्च से, तो ऑफिस के लिए तो नंबर दिया गया है, वहां पे खुल चुका है ऑफिस और वहां बैठे हुए हैं, आप देख लीजिएगा। बताओ बेटा, शाबाश, अगला बताओ। क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19, 18 और 19 बताइए कौन बताएगा। डिफरेंस लेते ही पता चल जाएगा दोनों में कुछ है ही नहीं बेटा,
डिफरेंस लेते ही पता चल जाएगा। डिफरेंस लो, पता लग गया, आंसर आ गया भी सभी का। यहां कितने का अंतर है जब आप इस पर ध्यान देते हैं तो यहां कितने का अंतर दिख रहा है आपको? 49 का अंतर दिख रहा है, माइनस कर दिया। यहां कितने का अंतर दिख रहा है? 11 में से 5 गए 6, 9 में से 6 गए 3, 36 का दिख रहा है। तो 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, उसके बाद यहां पे 25 का दिख रहा है, उसके बाद यहां पे, तो 7 छ 5 4 9 क्या होगा बेटा? 515 और 9 524 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिए बेटा, नेक्स्ट अगला देखेंगे, अगला देखेंगे बेटा। हाँ बेटा, डेली क्लास ले रहे हैं। मतलब आज हुई है काफी समय बाद, डेली तो नहीं कहेंगे, बीच में ऑफ हो गया था। यहां से आ जाओ बेटा, यहां क्या डिफरेंस दिखाई दिया बेटा आपको? यहां 25 का अंतर दिखाई दिया, 25 का नहीं, 5 का, 25 का तो यहां, ये 5 का अंतर है, 70 और 5 22, यहां 77, 25 का अंतर, और यहां 12 में 7 गए 5, 125 का अंतर, फिर आगे देखा 5 का अंतर, तो आगे होगा 125 का अंतर, खाली होगा 25 का अंतर, आगे कितने का होगा बेटा? 25 का अंतर होगा, 5 25 125, 5 25 घटाएंगे तो इसमें से घटा दो बेटा, तो ये बनेगा कितना? 797, क्योंकि 22 निकल जाएगा, 3 और माइनस कर देंगे, 22 निकल जाएगा, 3 और माइनस कर देंगे। ठीक है, 3 और माइनस कर देंगे। नेक्स्ट नंबर 20 बताओ, नंबर 20 और 21 में आपको पॉइंट दिख रहा है, नंबर 20 बताइए और 21 में आपको जो है पॉइंट दिख रहा है। किसी का अकाउंट ब्लॉक नहीं बेटा, सभी के कमेंट आ रहे हैं, जल्दी बताओ। 20 तो डिफरेंस से हो गया, 21वां बताओ। 21वां थोड़ा सा टिपिकल है, 21वां थोड़ा सा टिपिकल है, बताओ बेटा। 20 तो सभी का हो गया, 21वां बता दो क्या है। 20वां तो हो गया, 21वें में दिक्कत सी बन रही है बेटा, 21वां बता दो क्या है। ऑफिस वाला नंबर नहीं लग रहा, कितने बजे मॉर्निंग में खुलेगा ऑफिस? कल बेटा शायद ऑफिस नहीं खुलेगा, वैसे 9 बजे से खुल जाएगा, हमें भी इसकी भी पूरी जानकारी नहीं है, मैं भी कल सुबह 9 बजे से। ठीक है बेटा, यहां पर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, डिफरेंस ले लेंगे, डिफरेंस से अपना सॉल्व हो ही रहा है। 7 में 7 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, यानी 7 5 और 1 6 110 का अंतर है, ऐसा ही है बेटा। 6 में 5 है, 3 में 2 गए 110 का अंतर है, यह अंतर है। 7 में से 9 गए 2, 7 में से 9 गए, 7 में से नहीं, 17 में से 9 गए 8, 10 में से 6 गए 4, 48 का अंतर है। आगे अंतर देखो बेटा, यहां पर अंतर बताइए कितने का अंतर आप दिखाई दे रहा है यहां पे? नंबर 20, नौ में से 3 गए 6, 66 का अंतर है बेटा, 17 में से 9 गए 8 और 14 में से 6 गए 8, डिफरेंस ही गलत लिया ना मैंने। 7 में से 7 गया 0, 16 में से 5 में से 5 गया 0, नहीं 367 था ना, 110 का अंतर था, 257 था, 7 में से 7 गया 0, 6 में से 5 गए 3 में 110 का अंतर है, 110 का अंतर है। तो 22 दूनी 44, 22 तिया 66, 22 चौक 88, 22 पंजे 110, 22 पंजे 110 हो सकता है बेटा, 22 पंजे 110। तो यहां पे जो अंतर होगा वो 44 का अंतर होगा और यहां 22 का अंतर होगा, तो या तो 37 में 22 जोड़ दो, 7 और 2 9 3 और 2 5 59 आया, या घटा दो तब भी आएगा बेटा 59। तो 22 के मल्टीपल में डिफरेंस दे रखा था, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 22 तिया 66, 22 चौक 88, 22 पंजे 110,
खैर ये तो हो गया, आखिरी वाले में दिक्कत अलग रही है बेटा। आखिरी वाला बताओ बेटा, कौन बताएगा आखिरी वाले में? ये लगभग 5 गुना दिख रहा है, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 प्लस 4 भी हो सकता है, 20 पंजे 100 या 20 छिका 120 भी हो सकता है। डेढ़ का 4 से रिलेशन है, तो ये 5 गुना है तो 1.5 दुनी 3 डबल भी हो सकता है, क्योंकि 3 गुना करेंगे तो 4.5 हो जाएगा, 3 गुना करेंगे तो बेटा 4.5 हो जाएगा। बताओ क्या है क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा? देखो अगर हम एक काम करते हैं कि डेढ़ में डेढ़ का डबल करते हैं, डेढ़ का डबल 3 एकम, तो ये हो जाएगा 4। फिर आप 4 का 3 गुना करेंगे, 4 3 12 प्लस 8 जोड़ेंगे तो 20, डिफरेंस बढ़ रहा है। अब भाई डिफरेंस अगर तेज गति से बढ़ रहा है तो दिक्कत ये भी हो सकती है कि क्यों ना हम इसको 1 का क्यूब या 2 का क्यूब मान ले। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, 20 चौक 80 और 4 का क्यूब 64, तो 80 और 64 कितना होता है बेटा? 80 और 64, 4 8 144 हो गया, नहीं बात नहीं बनी। तो 4 3 12, डेढ़ का डबल किया और हमने 1 जोड़ा तो बात 4 आया, 4 3 12 में 8 जोड़ा, या 4 चौक 16 भी कर सकता था मैं। अगला पैटर्न मेरे पास ये आ सकता था कि 4 चौक 16, 16 में 4 जोड़ दूं 20, ये हो सकता है 1 का स्क्वायर, ये हो सकता है 2 का स्क्वायर, और हम डबल कर रहे हैं। फिर हम करेंगे 20 का 6 गुना, 20 छिका 120, 120 प्लस 28 जोड़ना है यहां पे, 4 चौक 16 प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है बेटा? तो 20 छिका 120, 1.5 दुनी 3, 2 4 6, और ये तो अभी बात बनी नहीं बेटा। पॉइंट में अगर हम जाते हैं तो 20 छिका 120 प्लस 8, खैर कोई नहीं, 8 जोड़ के देख लेते तो 128 हो गया, 128 हो गया। इनके बीच में हम डिफरेंस मान ले तो ऐसा हो सकता है, अभी अगर हम, एक सेकंड बच्चे कहाँ चला गया, एक सेकंड एक सेकंड, नंबर 21 में बेटा बताओ। अब ठीक है, कमेंट करके बताओ बेटा बेस्ट टीचर कौन है, ये है वो, आप बताइए। 1048 बच्चे ने आंसर दिया है। रिलेशन जब इनके बीच में समझ रहे हैं तो क्रिस्टल क्लियर है कि रिलेशन में तो मल्टीप्लाई का पैटर्न है कि 1.5 से 4 तो कई तरीके से जा सकते हैं, लेकिन वो तरीका क्या है? या कुछ 129 करना पड़ेगा बेटा, यहां मिस प्रिंट दे रखा है, 129 इसको ठीक करो, ये यहां गलत दे रखा है। वही मैं कहूं कि और तो कोई पैटर्न बन ही नहीं सकता। तो पैटर्न क्या है बेटा? पैटर्न ये है कि 1.5 1.5 एकम 1.5, 1.5 का डबल करो, करेक्शन कर लीजिएगा बेटा, 1.5 का डबल करो, 3 प्लस 1 का स्क्वायर जोड़ दो तो ये हो गया 4, तो 4 चौक 16 करो प्लस 4 का स्क्वायर जोड़ दो तो हो गया 20, 2 का स्क्वायर जोड़ दो सॉरी। फिर 20 का 6 गुना करो, 20 छिका 120 प्लस 3 का स्क्वायर जोड़ दो तो 129 है, बात बन गई। 129 का आप 8 गुना करो प्लस 4 का स्क्वायर जोड़ो, 8 नीम 72, 7, 8 दुनी 16 और 7 23, 2, 8 एकम 8 और 2 10 प्लस 4 चौक 16, 32 और 16 हो गया 1048। तो मेरे बच्चे इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये 129 था, क्योंकि एक टाइप हमें वो भी करनी है कि जो इस सीरीज के पैटर्न को गलत बताती है वो बताइए, ठीक है बच्चे? तो आंसर क्या होगा? 129, ठीक है 129। नेक्स्ट पर आ जाते हैं बेटा, 12 22 69 272 1365, यहां भी सीरीज तेज गति से बढ़ रही है तो कुछ मल्टीप्लीकेशन का पैटर्न यहां पे हो सकता है, कौन बताएगा बेटा? 12 दुनी 24 माइनस 2 भी हो सकता है, 22 3 66 प्लस कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लाई। देखो ये लगभग 2 गुना है, ये 3 गुना है, ये 4 गुना है और ये 5 गुना है, तो मल्टीप्लाई के पैटर्न से भी आप देख सकते हैं कि लमसम लमसम हमें संख्याएं वही मिल रही हैं। तो कौन बताएगा इसका आंसर, बताओ बेटा? लो भाई मुझे पे ताव दे देते हैं, ठीक है बेटा, हम बेटा चेहरे पे कुछ लगाते ही नहीं है। चलो पेपर में ऐसी गलती आ जाती है तो दोनों प्रेफरेंस में एक प्रेफरेंस को मान्यता दी जाती है। जल्दी बताओ बेटा क्या है यहां पे? आप करेंगे सर 12 1 2 9 24 और 2 ही घटा देंगे तो 22, 22 22 या 66 और 3 जोड़ देंगे तो 69। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था,
69 का 4 गुना करेंगे और 4 ही घटाएंगे तो 272 आएगा। फिर 272 में आप 5 गुना करेंगे और 5 जोड़ेंगे तो 1365 आएगा। और अब आप 1365 का 6 गुना करेंगे और 6 ही घटाएंगे तो 6 पंजे 30, 3 6 छिक 36 और 3 39, 3 6 ती 18, 3 21, 6 एम 6 और 2 8। लेकिन इसमें से आपको 6 घटाना है तो 8184 आ जाएगा। भाई 6 पंजे 30, 3 6 छिक 36, 39, 3 6 ती 18 और 3 21, 2 6 6, 8190 में से 4 घटा दो 8184, 6 घटाना है अपने को 8184, 8184, 8184। ठीक है बेटा, आंसर क्या बनेगा? 8184। नेक्स्ट, अगले में बता दो बेटा। अगले में आपको पॉइंट दिख रहे हैं तो पॉइंट से ये नहीं कि ये कोई चीज मुश्किल हो गई। नेक्स्ट में भले ही आपको पॉइंट दिख रहे हैं, बताओ बेटा अगला कौन बताएगा? क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पैटर्न है? छोटी 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 संख्याएं दिखाई दे रही है, काफी छोटी संख्याएं आपको दिखाई दे रही है। ठीक है बेटा, और ये कोडिंग डिकोडिंग में भी ये प्रश्न आया हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग में भी ये प्रश्न जो है आया हुआ है इस प्रकार से। यहां पे 271 होगा, देखो 12 दूनी 24 माइनस 2, 22 तिया 66 प्लस 3, 69 गुना 4, 69 गुना 4, 4 नीम 36, 3 4 छिक 24 और 3 27। सही तो है बेटा, माइनस 4 करेंगे 272, बिल्कुल ठीक दे रखा है, बिल्कुल ठीक दे रखा है बेटा, दिक्कत क्या है? अगला देखते कौन बताएगा, आंसर नहीं आ रहा बेटा अगले का। और प्लीज ये सेशन जरूर अटेंड करना क्योंकि क्वेश्चन एज इट इज भी आ सकता है और वो क्वेश्चन क्लिक करेगा। गिरजेश शर्मा ने एकदम सही आंसर दिया, डिवाइडेड बाई 2 + 1, बहुत बढ़िया बेटा। ये देखो इसका जस्ट आधा है, आधा है, लेकिन इसमें एक जोड़ो, पहले 115 में एक जोड़ो 1015 में, तो इसका आधा है, फिर डिवाइडेड बाई 2 करो, इसमें एक जोड़ो और फिर डिवाइडेड बाई 2 करो इस प्रकार से, यानी एक जोड़ा डिवाइडेड बाई 2, एक जोड़ा डिवाइडेड बाई 2, फिर एक जोड़ो और डिवाइडेड बाई 2 करो, 256 होता है तो 129 दूनी 58 तो 256 हो गया, और 256 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, एरर, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, एक जोड़ेंगे 128 आना चाहिए, 128 आना चाहिए, 128 आना चाहिए, 2 अठे 16, ठीक है। और 128 में एक जोड़ो 129, 2 से डिवाइड करो, 2 छिक 12, नहीं बेटा उससे तो बात बनी नहीं। अगर हम एक या दो या तीन या चार का पैटर्न प्रोसीड करें तो एक पैटर्न देख सकते हैं, इसमें एक जोड़ो 2 से डिवाइड करो, आ गया। फिर ये कैसे आया? इसमें दो जोड़ो, दो जोड़ के आएगा, दो जोड़ो 210 ये आया, तब 2 से डिवाइड करो। फिर तीन जोड़ो, तो तीन जोड़ने से 258 होता है, अब 2 से डिवाइड करो। फिर चार जोड़ो, 131 होता है, अब 2 से डिवाइड करो, 2 छीक 12 एक, तो दो एक दो तीन चार, 133 आएगा ना, 133 और अब 2 से डिवाइड करो, 2 छीक 12, वेरी गुड बेटा। अब इसमें पांच जोड़ो, पांच जोड़ो 66 और 5 71.5, अब इसे 2 से डिवाइड करो 73.5, तो 71.5 को अब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 2 तिया 6, 1 2 पंजे 10, ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 35.75, 35.75, बहुत बढ़िया बेटा, 35.75 जिन्होंने आंसर दिया वो एकदम सही बता रहे हैं, 35.75, ठीक है। और आगे 20.875 आगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अगला बताओ बेटा कौन बताएगा, 24वां और 25वां पॉइंट वाले ज्यादातर बैंकिंग में पूछे जाते हैं या आपके स्टेट एग्जाम में पूछे। 24वां तो बड़ा आसान है, किसी को मेरे ख्याल से दिक्कत है नहीं, 24वां में दिक्कत नहीं है, डिफरेंस से करोगे तो हो जाएगा। 25वां बता दो बेटा, 25वां बता दो, जल्दी बताओ बेटा, कौन बताएगा, जल्दी बताओ बेटा। आपसे मिलना चाहते हैं हम, आपसे मिलिए बेटा, जब सेमिनार लेने आएंगे कहीं ना कहीं तब मिलेंगे। देखो ये तो क्लियर है, डिफरेंस मेथड लेते ही आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा, पहले भी मैंने ये टाइप कराया था,
आपसे और आगे पूछ रहा है कि आगे क्या आएगा। ये देखो बेटा कितने का अंतर है, यहाँ जब अंतर की बात करते हो तो 30 का अंतर है, यहाँ 52 का अंतर है, यहाँ 80 का अंतर है, 4 9 में से 8 गया 1, 114 का अंतर है, 8 में से 4 गए 4, 14 में से 9 गए 5, 3 में से 2 गया 1 अंतर। आगे फर्दर कितने का अंतर है, फर्दर अंतर है बेटा यहाँ पे 12 का, 22 का, 22 का, यहाँ कितने का अंतर है, 22 और 6 28 का, 28 और 6 34 का, 33 और 6 40 का। अब ये तो क्लियर हो गया आपको कि डिफरेंस क्या है, ये तो स्पष्ट हो ही गया बेटा आपको कि डिफरेंस क्या है इसके बीच में। तो ये क्लियर हो गया कि आगे जो अंतर होगा बच्चे वो क्या होगा। ये स्पष्ट हो गया कि 22 और 6 28 और 6 34 और 6 40 और 6 46, 46 का अंतर होगा अगला। 46 का अंतर इसमें जोड़ दो बेटा आप, 46 का अंतर इसमें जोड़ दो, 6 4 10, 5 4 9 1 10, 1 और 1 2, 200 और 200 इसमें जोड़ दो, 400 में 200 जोड़ो 648 हो जाएगा, 400 में 200 जोड़ो 648 हो जाएगा, 400 में 200 जोड़ो 648 हो जाएगा। कौन सी क्लास डिलीट कर दी बेटा, मैंने कोई क्लास डिलीट नहीं की, पिछली सारी क्लासेस हैं, बस वो क्या है कि वो नहीं बना हुआ, उसका वो नहीं बना हुआ, जो प्लेलिस्ट नहीं बनी हुई, बाकी सारी क्लासेस अपने पास हैं। अगला बताओ बेटा, ये टाइप मैंने क्लास में बड़े अच्छे से आपको कराया था और इस टाइप में आपको बताया था कि इसमें किया गया 9 का आधा, 9 का आधा 4.5 होता है, क्लियर पता है कि 9 का आधा 4.5 होता है, और 4.5, 4.5 का 1 गुना 4.5 होता है, फिर 4.5 का 1.5 गुना, 1.5 गुना 6.75 होता है, 6.75 का 2 गुना 13.5 होता है बेटा, देखो 6 दूनी 12 और 1.5 और जुड़ जाएगा, और 13.5 का 2.5 गुना, 2.5 गुना 33.75 होगा, और अब 33.75 का 3 गुना हमारा आंसर होगा। तो 3 5 15, इकाई का अंक 15, 3 7 21 और 1 22, 2 3 3 9 और 2 11, 3 3 9 और 1 10, तो 101.25 ये रहा अपने को दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 25, 101.25 ये आपको दिखाई दे रहा है, 101.25। नेक्स्ट है बेटा 26 और 27, देखो क्या है इसमें, डबल है, ट्रिपल है, 3 गुना है, 4 गुना है, कौन बताएगा बेटा। छब्बीस नंबर बताओ बेटा, शाबाश, बड़ा आसान प्रश्न है, 26 में किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जल्दी बताओ बेटा कौन बताएगा। नंबर 26 का आंसर दो क्या आएगा, पहले आधा फिर गुना कैसे, तो पिछले में था ना बेटा, इसमें पूछ रहा हूं मैं आपसे क्या आएगा। देखो एक चीज तो समझ में आ रही है वहां, वो ये है कि 16 5 80, 16 5 80, 8 4 32, 32 2 96 है या नहीं बेटा, है या नहीं, तो आप डिवाइड कर दीजिए बेटा कैसे आएगा। अगर मैं 96 को 0.2 से गुणा करता हूं, 2 6 12, 2 9 18, एक सेकेंड, 0.2 से तो मैं इधर चलता हूं, 96 को अगर मैं 0.2 से डिवाइड करूं, गुणा नहीं डिवाइड करूं, डिवाइड करूंगा तो बेटा डेसिमल हटाने के लिए मुझे 1 0 ऊपर लानी पड़ेगी, 1 0 ऊपर लानी पड़ेगी, तो क्या बनेगा, 0.2 से नहीं, 32 3 गुना होता, तो 0.3 से करते हैं, अगर मैं इसे 0.3 से डिवाइड करता हूं 96 को, तो पॉइंट हटाने के लिए मुझे 1 0 ऊपर लगानी पड़ेगी, तो 3 3 9, 3 2 6 0, 320 आएगा,
फिर 320 को अगर मैं 0.4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे एक जीरो ऊपर लगानी पड़ेगी, पॉइंट हट जाएगा, तो ये जो वैल्यू आएगी बेटा कितनी आएगी, 800। अगर 800 को मैं 0.5 से डिवाइड करता हूँ, 0.5 से डिवाइड करता हूँ यानी आधा करता हूँ एक तरीके का, तो आधा करता हूँ, डबल करता हूँ, तो इसके क्या हो जाएगा 16। भाई मैं एक जीरो ऊपर लगा दूंगा, अब मुझे 1600 में क्या करना पड़ेगा बेटा, 0.6 से करना पड़ेगा, मैं ऊपर एक जीरो और लगा दूंगा तो आंसर क्या आएगा बेटा, तो आएगा 6 दूनी 12, 4, 6 छीक 36, 4, 6 छीक 36, 6 छीक 36, और राउंड ऑफ करके 0.6 या 7 मान लीजिए, तो ये बनेगा, तो ये बनेगा बेटा, तो ये बनेगा, समझ आया। आपस में मल्टीप्लीकेशन पॉइंट्स में इसको डिवाइड किया 0.3 से, 0.4 से, 0.5 से, 0.6 से, या आप सीधा करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते थे कि यहां से यहां मल्टीप्लाई कर दो 0.5 से, यहां से यहां मल्टीप्लाई कर दो 0.4 से, यहां से यहां मल्टीप्लाई कर दो 0.3 से, यहां से यहां मल्टीप्लाई कर दो 0.6 से, आंसर आ जाएगा। क्या 27 नंबर कौन बताएगा भाई, बताओ कौन बताएगा 27 नंबर प्रश्न को, 27 नंबर, ऐप में वीडियो डाउनलोड का ऑप्शन है तो सही बेटा, 27 नंबर प्रश्न बताओ, 27 नंबर प्रश्न बताओ, बहुत आसान है भाई। ये तो हमें पता है कि 9 7 63 होता है, तो -1 हो गया, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ट्राई करके देखते हैं कि 9 7 63 -1 62, 62 × 6 करके देख लें, या 7 भी हो सकता है, -1, 6 2 12, 6 6 36 और 1 37, -1 करेंगे 371 ऑप्शन में दिख रहा है। लेकिन आंसर देने से पहले एक चीज और देख लें, ये दिख तो रहा है, आगे अप्लाई कैसे करना है, 371 × 5 माइनस क्या करेगा 5, 371 तो है ना बेटा, 7 6 5, 5 × 5, 5 7 35, 3 5 15 3 18, 1855 है बेटा, तो -5 नहीं -1 करना पड़ेगा, 1855 में से एक घटाएंगे तो 1854 होगा, तो 1854 होगा, ठीक है, 5 नहीं एक घटाना है, ठीक है, तो यहाँ पे 371 आंसर आया, क्योंकि 5 × 5, 5 7 35, 3 5 15 3, 1855 में से एक घटाएंगे तो 1854 आएगा। नेक्स्ट बेटा 28 और 29, जल्दी बताओ बेटा, तो 28 डिफरेंस ही हो जाएगा, 28 में कोई दिक्कत है ही नहीं, इसी प्रकार से 29 है, जल्दी बताओ 28 29, ऐप पर भी फ्री करा देंगे बेटा, कोई ना कोई बैच तो आएगा जो ऐप पर भी फ्री करेंगे, डिफरेंस ही कर लो बेटा, ये हो जाएंगे आपके तुरंत। यहां कितने का अंतर है, 4 का, यहां कितने का अंतर है, 16 का, यहां कितने का अंतर है, 36 का, तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 64 और 60 कितना हो गया, 4 6 और 6 12, 124 भाई, 4 2 6 4 2 का स्क्वायर, 2 और 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, फिर आगे आ गया 10 का स्क्वायर, तो नन ऑफ दिस बेटा, इसमें तो दे ही नहीं रखा ना अपने को, वो इसमें तो दे ही नहीं रखा, 124 तो विकल्प में नहीं है, इसमें दे ही नहीं रखा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं हमारे पास इस ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो कोई जबरदस्ती से नहीं बनाना आपको उसे, यहां 4 का अंतर है, 12 में 6 गए 6, 4 में 3 है, 16 का अंतर है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 8 में से 2 गए 6, सेम है बेटा, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 8 4 12, 8 2 1 15, और 9 का स्क्वायर 81, 81 इसमें जोड़ दी, 2 और 1 3, 5 और 8 13, 1 और 1 233, 2 और 1 3, 8 5 13, 1 और 1 2, तो 233 है बेटा, वो अपने पास विकल्प में है ही नहीं, वो अपने पास विकल्प में है ही नहीं, तो ये विकल्प हो गए, ठीक है बेटा। यही है ना, या और कोई सा विकल्प में, 256 है कैसे बेटा, एक बार देख लेता हूँ, मैंने कुछ गलती तो नहीं की, एक बार फिर देख लेता हूँ, यहाँ 4 का अंतर है, जिसका मतलब 2 का स्क्वायर, यहाँ 36 और 6, 12 में 6 गए 6, 4 में 3 गए 16 का अंतर, जिसका मतलब 4 का स्क्वायर,
यहाँ अंतर 8 में से 2 गए 6, 8 में से 5 गए 3, 36, जिसका मतलब 6 का स्क्वायर, 12 में से 8 गए 4, 12 में से 8 गए 4 और 14 में से 8 गए 6, जिसका मतलब 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होगा ना, सॉरी 10 का स्क्वायर। वेरी गुड बेटा, करेक्शन के लिए 10 का स्क्वायर तो 100 होता है ना, 100 होता है। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, और अगर आप इसमें 100 जोड़ेंगे तो ये 252 बनेगा, जो विकल्प में मौजूद नहीं है, फिर भी आंसर नन ऑफ दीज ही बोलना है। 252, ये ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अगले प्रश्न पर, लास्ट पर आ जाते हैं, आज 30-31 तक ही करेंगे। क्या है बेटा, पॉइंट दिख रहे हैं, और मैंने कहा ऐसे स्थिति में फिर से इधर से जाएगा तो मल्टीप्लाई होके बढ़ेगा, इधर से जाएगा तो डिवाइड होगा। देखते हैं कितने जने बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 को ऊपर नीचे रख के देख लो, क्वेश्चन नंबर 30 को ऊपर नीचे रख के देख लो क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 30 में, जल्दी बताओ बेटा। 33 में ऐसे स्थिति में बेटा डिवाइड करके देख लिया करो, नहीं तो समझ नहीं आएगा आपको, जल्दी बताओ बेटा। ये 8:40 पर करेंगे बेटा, डेली 8:40 पर, 8:40 पर। हाँ बेटा, भिंड आए थे। 1050 को क्या करो बेटा, 420 से डिवाइड करके देखो, 2 × 4, 2 × 4, 84, कितने पे जाएगा ये, ये जाएगा, अगर हम डिवाइड इसको करते हैं तो 42 × 84, 4 × 2, 6, काट दो और काट दो, 7 × 6, 42, 15 × 7, 105, तो 2.5 आया, कितने गुना बेटा, 2.5 गुना। और एक बार और देखना बेटा, 420 को 168 से, 420 को 8 × 6, 14 × 1, 15, 4 × 2, 6, तो 6 × 6, 6 × 2, 12, 4, 6 × 8, 48, 6 × 7, 42, 4 से तो नहीं जा रहा, 14 और 35, तो 14 और 35/14 का क्या मतलब है, 14 × 2, 28, 7, 7 × 2, 14, 7 × 5, 35, 2.5 आएगा फिर भी, तो फिर से क्या है बेटा, 2.5 भाग देने पर 2.5 आ रहा है, 2.5, इसका मतलब तो ये है बेटा कि यहाँ से यहाँ 2.5 गुना है, 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 और यहाँ से यहाँ 2.5 गुना है। तो किसका 2.5 गुना है, या तो आप इसे 2.5 से डिवाइड कर दो, किसका 2.5 गुना है ये, किसका 2.5 गुना है, 5 का 2.5 गुना तो हो नहीं सकता, 6 हो ही नहीं सकता, तो 2.5 गुना होगा तो या तो ए में होगा या सी में होगा, या तो ए में होगा या सी में होगा। जब हम राउंड ऑफ वैल्यू की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, 25-25 के हिसाब से, तो ए और सी, ये तो समस्या बनी नहीं सकती। तो 30 का आंसर बताओ, विकल्पों से चूज करके बताओ क्या बनेगा, 2.5 गुना, किसका 2.5 गुना कर दें हम, क्योंकि 10, 4 × 8 तो होता ही है और आगे वैल्यूज हैं। भाई 10.752 किसके विकल्प से बनेगा, 2.5 गुना, या तो आप इसे 2.5 से डिवाइड कर दें या जैसी वैल्यू आपके मन में आए वो कर दें, 4.3008। आप कह रहे हैं सर 2.5 गुना कर दो, 25 अटे क्या होता है बेटा, पॉइंट आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 के बाद पॉइंट आया, 25 अटे 220, तो ये पूरा 200 आया, 25 200 और 25 × 75, तो पॉइंट जब यहाँ लगेगा, 25 जब यहाँ पे हम वैल्यू करेंगे तो 25 अटे 200 हो गया, 25 × 75, 7, 25 × 4, 7, 107, 107, 25 से गुणा कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5 के बाद लगेगा, 1, 2, 3, 4, 5 के बाद 10 दशमलव ये आएगा, तो ऑप्शन ए से बिल्कुल सही बताया बेटा, ऑप्शन ए से ये बात की जा सकती थी, ये बड़ा आसान है बेटा, गले में कोई दिक्कत है ही नहीं। आप कहेंगे कि भाई यहाँ 6 का अंतर है, यहाँ कितने का अंतर है बेटा, 18 का, 9 × 8 = 17, 3 × 4 = 5, यहाँ कितने का अंतर है बेटा, 30 का, यहाँ कितने का अंतर है बेटा, 9 में 7 गए 2, 12 में से 8 गए 4, तो बता बताओ यहाँ पे जो अंतर है, 6 और 12 18, 18 12 30, 30 और 12 42, 42 और 12 54, तो 129 में 54 जोड़ दीजिए, 129 में 54 और 4 = 60, 183 हमारा करेक्ट आंसर होगा।
183 विल बी आवर करेक्ट आंसर, 183। ठीक है बेटा, कल यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, ज्यादा समय मैं भी नहीं लगा रहा आपका, कल यहीं से आप कंटिन्यू करेंगे। और हम जो फ्री पढ़ा रहे हैं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, जो दिल्ली आ सकते हैं उनके लिए हमने फ्री रखा है, ठीक है। बाकी कैरीवेल ऐप पर भी फीस बहुत थोड़ी है, कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में कोई कैरीवेल पर ऐप फ्री निकालेंगे, वो भी आपको बताएंगे, ठीक है भाई। कल यहीं से आगे कंटिन्यू करना, इसका पीडीएफ मैंने भेज दिया है, यहीं से आगे की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना बेटा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, वंदे मातरम, खुश हो सब, जरूर जुड़ा करो बेटा, साथ प्रैक्टिस हो जाएगी। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।